वो आंकड़े जरा ध्यान से सुनिए, सुनिएगे ना, ध्यान से सुनेंगे ना, देखिए सुनिए। साल 2014 से पहले यूपी में जितनी मेट्रो चलती थी उसकी कुल लंबाई थी 9 किलोमीटर। साल 2014 से 2017 के बीच मेट्रो की लंबाई बढ़कर हुई कुल 18 किलोमीटर। आज कानपुर मेट्रो को मिला दें तो यूपी में मेट्रो की लंबाई अब 90 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। कहां 9 किलोमीटर, कहां 90 किलोमीटर। पहले की सरकार कैसे काम रही थी, आज योगी जी सरकार कैसे काम कर रही है, तभी तो यूपी कहता है फर्क साफ है। साथियों, 2014 के पहले पूरे देश के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, यानी मेट्रो रेल सिर्फ मेट्रो कहे जाने वाले शहरों में ही थी। आज अकेले यूपी के 5 शहरों में मेट्रो चल रही है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। इन शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों, मिडिल क्लास परिवारों, उनको आज मेट्रो रेल की वो सुविधा मिल रही है जो मेट्रो शहरों में उपलब्ध होती थी। शहरी गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए भी जो प्रयास किए गए हैं, उनसे टियर 2, टियर 3 शहरों में युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। यूपी में तो डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इसमें बहुत तेजी आई है। साथियों, कोई भी देश हो या राज्य, असंतुलित विकास के साथ वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। दशकों तक हमारे देश में ये स्थिति रही कि एक हिस्सा का तो विकास हुआ, दूसरा पीछे ही छूट गया। राज्यों के स्तर पर, समाज के स्तर पर इस असमानता को दूर करना उतना ही जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। समाज के हर वर्ग, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी सभी को हमारी सरकार की योजनाओं उससे बराबर लाभ उनको मिल रहा है। हमारी सरकार उन लोगों पर विशेष ध्यान दे रही है जिन्हें पहले कभी पूछा नहीं गया, जिन पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया। साथियों, शहर में रहने वाले गरीबों को भी पहले की सरकारों ने बहुत नजरअंदाज किया है। ऐसे शहरी गरीबों के लिए आज पहली बार हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2017 से पहले के 10 वर्षों के दौरान यूपी में शहरी गरीबों के लिए सिर्फ 2.5 लाख पक्के मकान ही बन पाए थे। बीते 4.5 साल में यूपी सरकार ने शहरी गरीबों के लिए 17 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हुए हैं। इनमें से
9.5 लाख बन भी चुके हैं और बाकियों पर तेजी से काम भी चल रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे गांवों से बहुत से साथी शहरों में काम करने आते हैं। इनमें से बहुत से लोग शहरों में आकर रेहड़ी ठेला पटरी पर सामान बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। आज पहली बार हमारी ही सरकार ने इन लोगों की सुध ली है, इन्हें बैंकों से आसानी से मदद मिले, ये लोग भी डिजिटल लेन देन करें, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ यहां कानपुर के भी अनेकों रेहड़ी पटरी वाले साथियों को हुआ है। यूपी में स्वनिधि योजना के तहत 7 लाख से अधिक साथियों को 700 करोड़ रुपए से अधिक दिया जा चुका है।